भविष्य पुराण विशिष्ट स्थान। भविष्य पुराण का पुराण वांग्मय में एक विशिष्ट स्थान है। ये पुराण आज के संदर्भ में बहुत ही जीवनोपयोगी है। वर्तमान में जो भविष्य पुराण उपलब्ध है उसमें केवल 28,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। व्यास जी की दृष्टि इतनी दिव्य थी कि वे भविष्य में घटित होने वाले सारे रहस्यों को उन्होंने पहले ही इस पुराण में लिपिबद्ध कर लिया। इस पुराण में नंदवंश, मौर्य वंश, बाबर, हुमायूं, तैमूर, शिवाजी, महादजी, सिंधिया आदि का भी वर्णन व्यास जी ने पहले ही इस पुराण में कर दिया। इस पुराण में महारानी विक्टोरिया की 1857 में भारत साम्राज्य बनने का भी वर्णन है, तथा ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा हो जाएगी और संस्कृत प्रायः लुप्त हो जाएगी। रविवार च संडे च फाल्गुनी च फरवरी षष्ठीश्च सिस्किटी गेया तदुदाहार वृद्धिष्व। इस पुराण में भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। सूर्योपासना एवं उसके महत्व का जैसा वर्णन भविष्य पुराण में आता है वैसा कहीं नहीं है। पंच देवों में परिगणित सूर्य की महिमा, उनके स्वरूप, परिवार, उपासना पद्धति आदि का बहुत विचित्र वर्णन है। पुराण की कथा सुनने एवं सुनाने वाले को भी महाफल की प्राप्ति होती है। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य के दर्शन के लिए गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की, फिर भगवान सूर्य की आज्ञा से वे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने दो ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान से कोई पुरुष आया। उसे देखते ही भगवान सूर्य खड़े हो गए, फिर उसके अंग को स्पर्श करके उसका सिर सनूप कर उन्होंने अपने भक्त वत्सलता प्रकट की एवं मीठी मीठी बातें करते हुए उन्हें अपने पास बैठा लिया। ठीक उसी समय दूसरा विमान आया। उससे उतर कर जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पास आया उसकी भी भगवान सूर्य ने उसी प्रकार से उसका भी सम्मान करते हुए अपने पास बैठा लिया। जिनकी वंदना स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश किया करते हैं, उन भगवान सूर्य ने दो साधारण व्यक्तियों का इतना सत्कार क्यों किया, यही कार्तिकेय कुमार के लिए आश्चर्य का विषय था। कुमार ने अपना आश्चर्य भगवान सूर्य के सामने रखते हुए पूछा, भगवान, इन दोनों सज्जनों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो आप इन्हें सम्मान दे रहे हैं? भगवान सूर्य बोले, ये सज्जन जो पहले आए अयोध्या में इतिहास पुराण की कथा कहा करते थे। कथा सुनाने वाले मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। यम, यमे, शनि, मनु, तप्ति मुझे इतने प्रिय नहीं लगते जितने की कथावाचक। मुझे धूप, दीप आदि से भी पूजा करने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी की कथा सुनाने से होती है। ये सज्जन कथावाचक हैं, इसलिए मैं इन पर इतना प्रसन्न हूँ। भगवान सूर्य ने आगे कहा कि ये सज्जन जो बाद में मेरे पास आए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अनेकों पुराणों की कथा करवाए एवं सुनी। एक बार कथा समाप्त होने पर इन्होंने कथावाचक की प्रदक्षिणा की और उन्हें सोना दान में दिया। इन्होंने कथावाचक का सम्मान करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, इसलिए मेरी प्रीति इन पर बहुत बढ़ गई। इस प्रकार इतिहास पुराण की कथा सुनना एवं सुनाना, पुराण और पुराण वक्ता की पूजा करना भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इस पावन पुराण में श्रवण करने योग्य बहुत ही अद्भुत कथाएं, वेदों एवं पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, 16 संस्कार, गायत्री जाप का महत्व, गुरु महिमा, यज्ञ कुंडों का वर्णन, मंदिर निर्माण आदि विषयों का विस्तार से वर्णन है।